गर्मी अभी दूर है, उससे पहले ही शहर में पानी की समस्या बढ़ने लगी है। शहर के नेहरू नगर क्षेत्र में जलदाय विभाग द्वारा अनियमित आपूर्ति के कारण क्षेत्रवासी परेशान है। ऐसे में लोगों का कहना है कि हमें मजबूरन महंगे दामों में पानी के टैंकर डलवाने पड़ते हैं। समस्या को लेकर जलदाय विभाग के अधिकारियों को कई बार अवगत करवाया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। गर्मी अभी दूर है, उससे पहले ही शहर में पानी की समस्या बढ़ने लगी है। शहर के नेहरू नगर क्षेत्र में जलदाय विभाग द्वारा अनियमित आपूर्ति के कारण क्षेत्रवासी परेशान है। ऐसे में लोगों का कहना है कि हमें मजबूरन महंगे दामों में पानी के टैंकर डलवाने पड़ते हैं। समस्या को लेकर जलदाय विभाग के अधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। सरहदी जिले बाड़मेर में गर्मी के साथ ही पानी की भी किल्लत शुरू हो गई है। शहर के कई अलग अलग इलाकों में पीने के पानी को लेकर लोगों में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी समस्या को लेकर अलग अलग इलाकों के लोग जलदाय विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन और मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत करवा रहे हैं, जिससे उनकी समस्या दूर हो सके, इस गर्मी में उन्हें पानी नसीब हो सके। दरअसल बाड़मेर शहर के नेहरू नगर में लोग इन दिनों पेयजल किल्लत का सामना कर रहे हैं। यहाँ पीने का पानी एक दिन छोड़कर आता है, लेकिन पिछले लंबे समय से पेयजल आपूर्ति सप्ताह में 10 दिन बाद हो रही है। इसमें भी दिक्कत यह है कि जल आपूर्ति द्वारा प्रेशर इतना कम होता है कि एक दिन की जरूरत जितना पानी भी लोगों को नसीब नहीं होता है। यहाँ हालात यह हो गए कि लोगों को पानी खरीदना पड़ रहा है। वार्ड मेंबर 38, नल आता नहीं है, हम टंकी में रहते हैं तो टंकी में पानी की पूर्ति नहीं होती। भाई सर्दियों में हमारा ऐसा हाल है तो गर्मी में कैसे होगा। कितने दिनों में पानी का नल आता है? 8-10 दिनों में आता है, जी में थोड़ा आता है, पानी वैसे ही चलते नहीं है। और यहाँ के लोगों को कितनी समस्या का सामना करना पड़ता है? घनी समस्या है, ड्रम भरते बाल्टियों से। बाड़मेर में भीषण गर्मी से पहले ही लोगों के सामने पानी का संकट खड़ा हो गया। नेहरू नगर के बाशिंदे पानी नहीं आने से टैंकरों के भरोसे पर है। अब स्थिति ऐसी हो चुकी है कि टैंकर भी एक दिन बाद आ रहा है। लोगों का कहना है कि कई साल से वे पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। हालात यह है कि सर्दी के समय में भी पानी के टैंकर डलवाने पड़ते थे, अभी यही हालात है तो गर्मी में हाल बेहाल होने वाले हैं। समय रहते पानी की समस्या समाधान नहीं किया गया तो वे धरना देंगे।